हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं मछली बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मसालों का ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मछली में नमक डाला। ये पूरा फ्रेश ताज़ी मछलियाँ हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार हल्दी और नमक। और हल्दी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मैं आई हूँ अपने मामा घर, तो यहाँ पे मछली मौसी बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो लेते हैं। और मौसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं और उनका रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो इसलिए चलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। यहाँ पे खाना टेस्टी बनने का और एक रीज़न है, क्योंकि ये चूल्हे पे बनता है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मछली को। एक एक करके हम डालते जाएंगे तेल में, और तेल जो है पूरा गर्म होना चाहिए। अगर तेल पूरा गर्म नहीं हुआ तो मछली चिपक जाता है। तो ये एक ट्रिक है सिंपल सा, जिसको हमें यूज़ करना रहता है जब भी आप मछली फ्राई करो। तो मैंने डाल दिए एक बार में 6 मछलियों को। तो मछली एक साइड से हो चुका है, तब हम इसको दूसरे साइड से पलट के भी पका लेंगे। मछली को हमें पूरा रेड होने तक फ्राई करना है। तो मैंने मछलियों को भी पलट दिया है, मतलब मौसी ने। तो मछली हमारा सारा फ्राई हो चुका है। अब हम उसी बचे हुए तेल में थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे और हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने 4 लिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तब हम इसमें कटे हुए प्याज को डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, उसे तेल में डाल लेना। जब प्याज फ्राई होने लगे, मतलब ब्राउन होने लगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा साइज का टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि टमाटर भी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए टमाटर लगभग हमारा पक चुका है। तब हम इस पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। और इस रेसिपी का खास बात यह है कि हम इसमें कुछ ड्राई मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी और पीसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो है ना ये सिंपल रेसिपी, और ये बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें फालतू के कोई मसाले नहीं ऐड कर रहे, लेकिन टेस्ट उतना ही है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितना ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से हम पानी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो पानी कम डालें। तो मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और सबको ग्रेवी चाहिए इसीलिए। फिर भी देखिए ग्रेवी हमारा थिक ही है, ज़्यादा पतला नहीं है। और मछली भी तो 1.5 kg था, इसलिए उसके हिसाब से हमने पानी डाला। जब उसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें मछली को डाल देंगे। उसके बाद 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और हमारा रेडी हो चुका है सिंपल मछली करी। तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।